कहने का तात्पर्य ये है कि जो श्री कृष्ण के पैरों में जो पायल है, वो पायल उनके पायल के जो घुंघरू हैं वो अत्यंत मधुर ध्वनि में बज रहे हैं। उनकी पायल के जो घुंघरू हैं मधुर ध्वनि में बज रहे हैं। उनकी कमर में कटी किंकनी के ध्वनि की मधुराई और उनके जो कमर में एक कर्दनी बंधी हुई है वो भी मधुर ध्वनि में बज रही है। सांवरे रंग अंग लसई पट पीत, लसई के तात्पर्य क्या है? सुशोभित होना। पीत में पट मीन्स वस्त्र और पीत मीन्स पीले वस्त्र। और सांवले रंग पर जो उनका सांवला कलर है या रंग है उस पर ये पीले रंग के वस्त्र बहुत सुशोभित हो रहे हैं। हुए हुलसे बन माला सुहाए, हुलसे मीन्स आनंदित होना। उनके हृदय पर लहराती हुई ये जो माला है बहुत सुंदर लग रही है, बहुत सुंदर लग रही है, अर्थात सुहाई का तात्पर्य है बहुत सुशोभित हो रही है। माथे करीट पड़े द्रग चंचल, और उनके जो माथे पर ये मोरपंखी जो मुकुट है, करीट का अर्थ है यहाँ पर मुकुट, जो माथे पर मोरपंखी मुकुट है बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रहा है। द्रग चंचल, और उनके जो ये नेत्र हैं विशाल नेत्र कैसे हैं? बड़े चंचल हैं। चंचल से तात्पर्य है कभी इधर देखते हैं तो कभी उधर देखते हैं, अपने इन नेत्रों से इधर उधर देख रहे हैं। मंद मंद हंसी मुखचंद जुनहाई, मुखचंद का तात्पर्य है यहाँ पर मुख रूपी चंद्रमा, और जुनहाई का अर्थ है चांदनी। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर कवि? क्या कहते हैं? उनके मुख रूपी चंद्रमा पर, उनके किसके? श्री कृष्ण के मुख रूपी चंद्रमा पर मंद मंद हंसी की चांदनी छाई है। ऐसा लगता है जैसे संसार रूपी मंदिर का दीपक, जैसे जग मंदिर दीपक सुंदर श्री ब्रज दूल्हे हैं देव सहाय। ऐसा लगता है जैसे संसार रूपी मंदिर का दीपक बनकर कौन? श्री कृष्ण। श्री कृष्ण ब्रज में दूल्हे के समान सुशोभित हो रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे संसार रूपी मंदिर का दीपक बनकर, दीपक कौन बना है यहाँ पर? श्री कृष्ण ब्रज में दूल्हे के समान सुशोभित हो रहे हैं। यहाँ कुछ प्रश्न उत्तर दिए हुए हैं, समझाए हुए अर्थ के अनुसार प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे और शब्दों का स्मरण करेंगे। धन्यवाद।